हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शुभलक्ष्मी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ खीर रेसिपी। हम अगर किसी पार्टी में जाते हैं या फिर किसी शादी ब्याह में जाते हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस समय जो खीर बनता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। हम बहुत बार ट्राई करते हैं घर में उसी तरह से खीर बनाने के लिए, लेकिन वो वैसे बनता ही नहीं है। पार्टी में जो खीर बनता है उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है और हम घर में वैसे बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन बनता नहीं है। तो फिर आइए शादी में बनने वाली वो खीर रेसिपी बनाते हैं और आप इसे ध्यान से देखिए और घर पे ज़रूर ट्राई करिए, आपकी खीर भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चावल लिया है। ये छोटा वाला चावल है, गोविंदभोग चावल है जो खीर बनता है। उसी के साथ मैंने 1/4 कप मैंने सूजी लिया है। ये चावल मैं पहले ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा। देखिए ये बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही अच्छा स्मेल आता है इसमें से, इससे ही खीर बनता है। देखिए वो छोटा छोटा चावल होता है खीर बनने के लिए। अभी इसको थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, पूरा फाइन ग्राइंड नहीं करेंगे, दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। एक बार उसको चलाइए, फिर बंद करिए, फिर चलाइए, फिर बंद करिए। देखिए मैंने ऐसे इसको ग्राइंड कर लिया है। अभी इसको 2-3 बार धो लेंगे हम। आपको दिखा देती हूँ ये चावल, देखिए कैसे ग्राइंड हो चुका है। ये हमारा पूरा ग्राइंड, फाइन ग्राइंड नहीं हुआ है, दरदरा ग्राइंड हुआ है, हमको ऐसे ही चाहिए। अभी इसको 2-3 बार पानी डाल के हमको धो लेनी है। अभी यहाँ पे मैंने चावल धो दिया है, देख सकते हैं आप। देखिए अभी हम खीर बनाने की प्रोसेस की ओर जाएंगे। यहाँ पे एक पैन मैंने गरम कर लिया है दोस्तों। उसमें मैं यहाँ पे 1 स्पून एक बड़ा चम्मच में घी डाल दूंगी और घी में हम पहले ड्राई फ्रूट्स सारा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश फ्राई करने के लिए डाल दिया है। धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए काजू का और किशमिश का तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा काजू किशमिश फ्राई हो चुका है, इसे निकाल के मैं रख देती हूँ एक बाउल में। अभी उसी सेम पैन पे हम सूजी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा घी बच गया है, उसी घी में हम ये सूजी डाल दिए और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सूजी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। देखिए बस 2-3 मिनट इसको फ्राई करनी है। अभी सूजी फ्राई हो चुका है, इस पे हम ये जो चावल धो के रखे थे उसको डाल देंगे और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी चावल और सूजी को और 3 मिनट हमको फ्राई कर लेनी है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी और डाल दिया है। थोड़ा सा घी मुझे कम लगा तो मैंने और थोड़ा सा घी डाल दिया इसमें। अभी घी के साथ इस चावल को और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के साथ ही इसका स्मेल बहुत अच्छा आने लग जाता है। आप देखिएगा इसका कलर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज भी होता है। ज़्यादा देर हमें इसे फ्राई नहीं करनी। अभी ये राइस और ये सूजी अच्छे से फ्राई हो चुका है दोस्तों, हम इसे निकाल के बाउल में रख लेंगे। देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा ब्राउनिश आ गया है। मैंने इसको निकाल के बाउल में रख लिया। उसी सेम पैन पे अभी और 1 स्पून मैंने घी डाल दिया है। देखिए मैंने एक बड़े चम्मच में 1 चम्मच घी और ले लिया है। उसी घी में हम अभी 2 बड़े चम्मच चीनी को डाल के उसे फ्राई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाल दिया है, उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चीनी को ऐसे घी में फ्राई करने से इसकी कलर ब्राउन हो जाता है दोस्तों। हमें उसी ब्राउन कलर की ज़रूरत है, हम खीर में उसी कलर को डालने से खीर का कलर भी ब्राउनिश ही आएगा। आप देखिए चीनी को थोड़ी देर
एक घी में फ्राई कर लीजिए। वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगा और उसका कलर चेंज होने लग जाएगा और वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। देखिए, आप देख पा रहे होंगे मेरा चीनी यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम बढ़ा दीजिए, आप हाई फ्लेम पे रख लीजिए और जल्दी जल्दी में इसको चलाते रहिए। देखिए, चीनी कलर चेंज होने लग गया है, ये ब्राउन होने लग गया है। देखिए दोस्तों, इसका कलर ब्राउन हो चुका है, ये अभी तैयार है। अभी हम क्या करेंगे, इस मेल्टेड शुगर को हम ये मिल्क में यहाँ पे मिला देंगे। हमने ये मिल्क पहले से गर्म करके रखा था खीर बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे 1 लीटर मिल्क ले लिया है, उसको पहले से गर्म करके उबाल के रखा था। इसमें हम ये चीनी, मेल्टेड चीनी डाल दिया है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है। आप इसको मिलाते रहिए और ये अच्छे से मिल जाता है मिल्क के साथ। देखिए, हमारा चीनी मिल गया है मिल्क के साथ। अभी इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हम डाल देंगे वो राइस जो फ्राई करके हमने रखा था, और उसी के साथ सूजी और राइस का ये फ्राई हमने इधर डाल दिया। और इसको अच्छी तरह से ऐसे चलाते रहेंगे। इसको बिल्कुल ही चलाना छोड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। तो हमको ऐसे ही चलाते रहना है जब तक राइस अच्छे से उबलता नहीं है। देखिए, हमारा मिल्क यहाँ पे उबलने लग गया है दोस्तों। मैं यहाँ पे एक बड़ी इलायची को तोड़ के डाल रही हूँ। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 4 छोटी इलायची लिया है, उसको थोड़ा सा कूट लिया था, उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अच्छे से मिला लिया है। इससे इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आएगा खीर में। देखिए, इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1/2 स्पून सॉल्ट। देखिए, यहाँ पे हमारा ये खीर उबलने लग गया है, बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है। हमको इसको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। वैसे ही हमें इसको चलाते रहना है। इसको 10 मिनट तक हमको पकाना है, जब तक मिल्क आधा ना हो जाए हमको इसको पकाना है। आप अगर यहाँ पे मिल्क मेड यूज़ करना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं दोस्तों, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैं यहाँ पे मिल्क मेड यूज़ नहीं कर रही हूँ। देखिए, हमारा मिल्क बढ़िया से हो गया है, गाढ़ा हो गया है। आपको जितना भी ज़्यादा मिल्क चाहिए उतना ले लीजिए। आप अगर चाहते हैं तो इसमें फुल फैट मिल्क यूज़ करिए, वो बहुत ही टेस्टी होगा। मैं यहाँ पे देखिए, इलायची का ये एसेंस है, वो 1 स्पून इधर डाल रही हूँ। इस एसेंस की स्मेल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आपको इलायची जैसे स्मेल आएगी। और आप इसको बस 1 ही स्पून डालिए। अगर आपके पास वेनिला एसेंस है या फिर कोई और एसेंस है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप केवड़ा वाटर या फिर गुलाब जल वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्मेल देता है। यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लिया है इसमें। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। जितना भी मिल्क गाढ़ा होता जाएगा, आपका खीर का टेस्ट उतना ही सुंदर आएगा। आप उतना ही टाइम इसको पकाते रहिए। अगर आपको खीर थोड़ा सा पतला चाहिए तो आप और थोड़ा मिल्क इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खीर ऐसे ही होने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे मेरा खीर बहुत ज़्यादा सुंदर बन चुका है, गाढ़ा बन चुका है। अभी मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून शुगर ले लिया है। आपको
आपके हिसाब से जितना भी चीनी खाते हैं आप उतना ही चीनी आप यूज़ करिए। देखिए मैंने यहाँ पे शुगर डाल दिया। शुगर डालने के बाद हमें इसे बस 2 से 3 मिनट तक और पकाना है और आपकी खीर रेडी हो चुका है दोस्तों। इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आया हुआ है, आपको ये वीडियो में नहीं दिख रहा है लेकिन ये ब्राउनिश कलर होके खीर बहुत ही सुंदर आया हुआ है इसका कलर। आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई करिए दोस्तों, यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे और आपको इसकी स्वाद बिल्कुल ही शादी और पार्टी जैसा ही खीर की आएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और आपकी खीर कैसी बनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मेरी तो खीर बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। खीर बनाना बहुत ही ईजी है दोस्तों, बस कुछ टिप्स की और ट्रिक की हमें ध्यान रखनी है और हमारा खीर भी पार्टी जैसा खूबसूरत सा बनके तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स और पिस्ता बादाम देके इसको सजा रही हूँ और आप जब भी परोसेंगे किसी को तो गर्मा गर्म परोसेगा और उसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता बादाम भी डाल दीजिएगा तो वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे कैसे बनाते हैं और आपको इसका टेस्ट कैसे आया है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरी चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं ऐसे ही आपके लिए नए और बहुत ही खूबसूरत सा रेसिपी लेके ज़रूर आऊँगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और बेल बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूँगी आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी पे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।